हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे और आप सभी के चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड स्टार्ट हो गया है। लेक्चर यूनिट फर्स्ट का हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में H1 एंटागोनिस्ट एंड H2 एंटागोनिस्ट पूरा का पूरा खत्म कर लिया है, जो कि इस यूनिट का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो उसको जाके एक बार पढ़ लेना। वैसे अगर एक बार देखना चाहते हैं उस टॉपिक्स को, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। उसमें H2 एंटागोनिस्ट हम लोगों ने कल देखा है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग H1 एंटागोनिस्ट को देखा था। H1 एंटागोनिस्ट में हम लोग एकदम अच्छे से ध्यान से पूरा पढ़ लिया था, कौन कौन से सेल होते हैं, कितने एंटागोनिस्ट होते हैं फुल में। इसमें 3 एंटागोनिस्ट होते हैं, फुल एंटागोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट, एलोस्ट्रिक एंटागोनिस्ट। इसके बारे में भी देख लिया कौन कितना ब्लॉक करता है, ये फुली ब्लॉक होता है, ये पार्शियली ब्लॉक होता है। और इसमें रिसेप्टर जब बाइंड करता है एलोस्ट्रिक में, तो ये क्या करता है, ये रिसेप्टर को ही चेंज कर देता है ब्लॉकर, ये होता है हमारा एलोस्ट्रिक इनहिबिटेशन। इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लिए थे कल वाले लेक्चर में, इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग देख लिए थे H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में हम लोग क्या देखे थे, H2 एंटागोनिस्ट क्या होता है उसको भी हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद इसके मैकेनिज्म को देखा था, इसमें 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं पार्शियल में। तो इसको मैं बताने से पहले आप लोग को स्ट्रक्चर के बेस पे समझाया था, स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे समझाया था, इसको समझाया था कि जो स्टमक होता है, स्टमक में लेयर्स होते हैं, लेयर्स कौन से होते हैं, पेराइटल लेयर एंड म्यूकस लेयर। तो म्यूकस लेयर म्यूकस को रिलीज करता है, पेराइटल लेयर HCL को रिलीज करता है। तो ये पेराइटल लेयर को जूम करके जब देखा जाता है, इसमें सेल्स होते हैं, सेल्स में से जब पेराइटल सेल को यहाँ पे जूम करके देखा जाता है एक पेराइटल सेल को, तो पेराइटल सेल में साइड में जो लगा होता है स्टमक के लगा होता है, क्या लगाता होता है, प्रोटॉन पंप लगा होता है। और इसमें 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये सब मैं पूरा बढ़िया से कल डिस्कस किया था, अगर आप लोग ना देखें देख लीजिए। बताया था 3 रिसेप्टर पाए जाते हैं, H2 रिसेप्टर, गैस्ट्रिक रिसेप्टर, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर जो होता है वो ATP से हमारे बॉडी में, ये ATP होता है, ATP से कैंप में कन्वर्जन होता है, कैंप में कन्वर्जन होकर प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। जब X को एक्टिवेट करेगा तो प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। जब स्टार्ट हो जाएगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलने लगेगा, जब बाहर निकलेगा तो स्टमक में जाने लगेगा, तो उसमें गैस्ट्रिक का सेक्रेशन होने लगेगा। और ये भी वही है, गैस्ट्रिक और एसिटाइलकोलाइन कैल्शियम आयन को रिलीज करते हैं, कैल्शियम आयन जब रिलीज होगा तो ये प्रोटॉन पंप को जाके बढ़ाने लगेगा। लेकिन जब इसमें भी गैस्ट्रिक का सेक्रेशन होने लगेगा, लेकिन जब यहाँ पे एंटीहिस्टामिन बताया था आएगा और ये ब्लॉकर को इसमें ब्लॉक कर देगा, तब ना ही ATP से कैंप में कन्वर्जन होगा, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये इसमें से ATP से कैंप में कन्वर्जन नहीं होगा तो ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटॉन पंप वर्क ही नहीं करेगी, जब वर्क नहीं करेगा तो गैस्ट्रिक का सेक्रेशन होगा नहीं। तो यही हम बताए थे एंटी सेक्रेटरी एंटीहिस्टामिनिक्स होता है, पूरा बढ़िया से पूरा डिस्कस किया गया था। तो अगर आप लोग उसको ना देखें हो जाके देख लीजिए, एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो गारंटी के साथ कर रहा हूँ पूरा समझ में आ जाएगा और आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। आज का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, इसमें बस देखना है कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन जब देख लेंगे कैसे क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, तो उसी के बेस पर आप लोग समझ जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, समझाना रिएक्शन में रहता नहीं है, बस आप लोग को समझना रहता है, ध्यान से रिएक्शन को देखना रहता है कैसे कैसे क्या बन रहा है। तो सिंथेसिस ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स में हम लोग को 4 सिंथेसिस देखना है। फर्स्ट है डाइफेनिल हाइड्रोमीन, ट्राइप्लोडीन, प्रोमीथोजीन एंड लास्ट है वो है काइमेटिडीन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाइफेनिल हाइड्रामीन, ठीक। तो देखते हैं डाइफेनिल हाइड्रामीन में इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं और ये डाइफेनिल हाइड्रामीन कैसे बनेगा। तो देखिए है यहाँ पे डाइफेनिल मेथेन, डाइफेनिल मेथेन को ब्रोमिनेट्री में करेंगे जब, तो यहाँ से हाइड्रोजन एक रिप्लेस होगा, रिप्लेस होगा तो यहाँ पे देखिए हो गया है CH सिंगल बॉन्ड BR। तो ये है डाइफेनिल मेथेन, बाई मेथेन। तो HBr के प्रेजेंस में जब ये होगा तो क्या बनेगा, किसके प्रेजेंस में, HOCH2CH2 N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइमेथिल एमिनो एथेनॉल। तो इसको जब करेंगे तब हम लोग का ये बनेगा, क्या बनेगा, डाइफेनिल हाइड्रोमेथेन। तो इसका अगर आप लोग मैकेनिज्म एंड यूज लिखना चाहते हो कैसे कैसे क्या हुआ है,
क्या नहीं हुआ है समझना चाहते हैं तो उसको भी समझ लीजिए आप लोग, लेकिन इसको देख लीजिए कैसे ये बना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिंथिस आ जाता है तो इसमें अगर चारों लिख देंगे 7 नंबर में या 10 नंबर में ये उठाता है ज़रूर, सिंथिस ऑफ एंटीहिस्टामिन। तो चारों आराम से हेडिंग डालिए और एक एक करके हेडिंग डाल के लिखते हुए रिएक्शन चले जाइए, कैसे कैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। देखिए मैकेनिज्म आप डाइफेनिल हाइड्रोमीन, तो मैकेनिज्म में हम लिखेंगे डाइफेनिल हाइड्रोमीन हैव एंटीहिस्टामिनिक्स एंटी टिश्यू लोकल एनेस्थेटिक एंड सेलेक्टिव एक्शन। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे डाइफेनिल हाइड्रोमीन एक्ट एज इनवर्स अगेंस्ट एट H1 रिसेप्टर देयर बाय रिवर्सिंग इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन ऑन कैपिलरीज रिड्यूसिंग एलर्जिक रिएक्शन ऑफ सिम्टम। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्रॉस BBB इनवर्सली एंटागोनाइज दी H1 रिसेप्टर इन CNS रिजल्टिंग ड्रोनेस एंड सुपरनेस मेडुली कफ सेंटर एंटी टिश्यू। और इसमें लिखना चाहते हैं तो एक दो पॉइंट और भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिखेंगे उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं डाइफिनिल हाइड्रोमीन बाइंड दी म्यूक्सकेरनिक रिसेप्टर इन द प्लेस ऑफ एसिटिल कोलिन एंड सो एंटी पैरकिसोन इफेक्ट, तब इसको करते हैं एंटी पैरकिसोन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे डाइफिनिल हाइड्रोमीन ब्लॉक इंट्रा सेलुलर सोडियम चैनल प्रोड्यूस लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। ये जो हम लोग यहाँ पे किए हैं वही आप लोग को यहाँ पे देखना है और उसी को बना के लिखना है। यूजेस में लिखना चाहते हैं यूज भी लिख सकते हैं, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन लाइक यूरेथ्रा कंजक्ट फ्रूक्टिस एरेनेट्स। इसके जो पॉइंट हैं वो है मोशन सिकनेस एंड पैरकिसोन डिजीज। इसके जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हैं देखिए छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, पूरा आराम से देख लीजिए। डाइफेनिल मीथेन जब ब्रोनिल लाइट से होगा तो डाइफेनिल मीथेन बाई मीथेन होगा, उसके बाद डाई एमिनो एथेनॉल से बनेगा डाइफेनिल हाइड्रामीन। ये तो था हम लोग का डाइफेनिल हाइड्रामीन। अब हम लोग देखते हैं ट्राइप्लोलिडिन। चलिए देखते हैं अब इसको दूसरा पॉइंट। इसमें ज़्यादा कुछ समझाना है, बस आप लोग को रिएक्शन देखना है कैसे कैसे क्या हो रहा है और कैसे बन रहा है ट्राइप्लोलिडिन। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है 4-methyl एसिटोफिनोन एंड पायरोलिडिन का रिएक्ट होता है किसके प्रेजेंस में, मैनिक कंडेंसेशन के प्रेजेंस में। तो इसमें एडिशन एंड हाइड्रोलाइसिस दोनों होगा तो क्या बनेगा, डाइहाइड्रेशन बनेगा। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, H2O रिप्लेस होगा। तो H2O कौन कौन सा रिप्लेस होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे OH एंड यहाँ से H एक रिप्लेस होगा। देखिए H2O कैसे बनेगा, यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, एक H मतलब समझ लीजिए ये रिप्लेस होगा। तो यहाँ से जब ये रिप्लेस होगा तो हमारा क्या बचेगा, CH3CH CH2N। तो यही देखिए यहाँ पे एकदम वैसे बना है, एकदम यहाँ से OH रिप्लेस हुआ एंड यहाँ से एक H, तभी ना होगा H2O। तो डिहाइड्रेशन होगा H2O का तो हमारा बनेगा ट्राइप्रोलिडिन। तो यही है हम लोग का सेकेंड पॉइंट। तो यही हम लोग का यही बना, देखिए कैसे हुआ, यहाँ से H2O रिप्लेस हुआ तब जाके ये बना। ठीक, तो हम लोगों ने कौन कौन सा देख लिया, हम लोगों ने अभी तक देखा है डाइफेनिल हाइड्रामिन एंड ट्राइप्रोलिडिन। अब हम लोग को देखना है प्रोमिथोजेन एंड काइमेटिडिन। तो चलिए अब देखते हैं प्रोमिथोजेन इसमें कैसे कैसे क्या होके बनेगा। अब प्रोमिथोजेन में जो है उसमें होगा फिनोथाइजीन प्लस, इससे रिडक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, क्लोरोप्रोपिल डाइमिथिल एमेन, तब जाके हमारा बन जाएगा तुरंत प्रोमिथोजोन। इसका जो है रिएक्शंस बहुत छोटे हैं, कैसे स्ट्रक्चर इसका बना के करना है बहुत इजी है, तो इसको आराम से सभी लोग ध्यान से देखिए और इसको बना लीजिए।
इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें ज़्यादा समझाना क्या है, पूरा दिख ही रहा है कैसे क्या बन रहा है। जो समझाना था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा दिया हूँ। इस यूनिट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो H1 एंड H2 एंटागोनिस्ट है। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हो तो उसको जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को उसको पूरा देख लेंगे, 2 से 3 बार तक वीडियो में ही रिवाइज कर दिया हूँ, बस देख लेंगे तो यहीं पर तैयार हो जाएगा। तो हम लोग का ये भी तीसरा पॉइंट हो गया प्रोमेथाजीन। अब हम लोग को देखना है लास्ट क्या है, लास्ट काइमेटिडिन, यही है ना चौथा। अभी तक हम लोगों ने डाइमेथिल हाइड्रोजन एंड ट्राइप्लोडीन एंड प्रोमेथाजीन ये हो गया। अब हम लोग को लास्ट देखना है वो है काइमेटिडिन। काइमेटिडिन को देखते हैं अब। इसमें देखिए काइमेटिडिन में एथिल टू क्लोरो एसीटेट रिएक्ट विथ फर्मामाइड, रिएक्ट फर्मामाइड के साथ करेगा, किसके प्रेजेंस में, LiAlH4। तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या बनेगा, बनेगा थायो एथिल एमाइन में करेंगे तो हम लोग का जाके बन जाएगा, ये रिएक्ट होगा, उसके बाद रिएक्ट होने के बाद तब हम लोग का बनेगा काइमेटिडिन। ये भी रिएक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कैसे ये बना। तो सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक रिएक्शन को आराम से नोट कर लीजिए, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए हम लोग का 1 से 2 पार्ट और वीडियो आएगा, उसमें पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट कर देना है, यूनिट फर्स्ट, उसके बाद यूनिट सेकंड स्टार्ट होगा, और यूनिट सेकंड स्टार्ट होगा उसके बाद और भी कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। तो जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत होम पेज पर ही मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।